देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। अभी अभी मालेगांव शहर करीम नाका के पास में एक हादसा पेश आया है, जहां पर तुंडाइचे से आ रही कांदा भरकर गाड़ी जो चांदौड़ के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक यहां पर मालूमात के जरिए बताया गया है कि सामने से आने वाली गाड़ी का डीपर लगा और सामने के डीपर से लगने की वजह से ये गाड़ी डिवाइडर में जा घुसी है। आप देख सकते हैं कि डिवाइडर में कितनी हद तक का ये गाड़ी जा चुकी है। इसका नीचे का जो हिस्सा है वो डिवाइडर से पूरा ऊपर तक चढ़ चुका है, जिसका अगला टायर भी मतलब बाहर आ गया है। ये गाड़ी कांदा भरकर दुंडाइचे से निकली थी जो चांदौड़ के लिए जा रही थी। आइए हम आपको दिखाते हैं गाड़ी की कंडीशन, और ये गाड़ी का नंबर है। मालेगांव शहर के करीम नाका कुसुम्बा रोड, जो शहीद अब्दुल हमीद रोड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर यह हादसा पेश आया है। ये एक अच्छी बात हुई कि यहाँ पर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, ना ही ड्राइवर को कहीं चोटें आई है और ना कहीं यहाँ पर रहने वाले किसी भी शख्स को कोई चोटें आई है। ये एक बड़ी अच्छी खबर इस शहर की आवाम के लिए है कि कोई भी हादसा ना पेश आते हुए ये गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई है, लेकिन कोई भी जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। मौके वारदात पर रमजानपुरा पुलिस स्टेशन से पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है। अब आइए देखते हैं इसके अंदर कि क्या ठाकुर दादा ये भी यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं कि कौन सी यहाँ पर खबर निकल कर सामने आती है कि ये हादसा किस तरीके से पेश आया है। इसमें कोई भी जानी नुकसान या माली नुकसान होने की अभी तक कोई भी खबर नहीं है। हमें खबर मिलते ही मौके वारदात पर पहुँच कर हमने इसकी पूरी तस्दीक करने की कोशिश की है। गाड़ी